गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 8, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लास 9th की ये वर्कशीट है, 23rd of July की। चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर, पीपल एज रिसोर्सेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आइए चलते हैं, देख लेते हैं। जो टॉपिक है इसका वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले समझ लेते हैं कि होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आपको कुछ काम करने से पैसा मिले। तो वो सारी की सारी कैटेगरी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हम टीचिंग करते हैं स्कूल में, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हमें उसके रिटर्न में पैसा मिल रहा है। अगर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ कि मैं किसी को जाके पढ़ा रहा हूँ, वहां से मुझे पैसा नहीं मिल रहा, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मदर घर में खाना बना रही है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट वर्क। हैव यू एवर थॉट व्हाट दैट व्हाई डू दे वर्क? सोचें इसके बारे में, व्हाई डू दे वर्क? बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, एंड अर्न मनी, अर्न अ लिविंग, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो काम करते हैं। सम डू इट टू अर्न अ लिविंग, यहाँ पर लिखा भी है। सम डू इट फॉर इंटरेस्ट, किसी का कुछ मत काम मन लगता है उसके अंदर, तो वो इंटरेस्ट के तरीके से करता है, चाहे उसमें पैसे मिले या ना मिले। एंड सम डू इट एज अ सर्विस जेस्चर। सर्विस जेस्चर का मतलब हो गया, जैसे आपने एनजीओ में जाके काम करा, तो वहां पर आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको एक सर्विस देनी थी, निस्वार्थ भाव से आपको वो सर्विस करनी थी, तो आपने वो सर्विस जेस्चर दिया। Hence, some work is done with different objectives. So, different different objectives आपके होते हैं। Basically, दो तरीके से आपको type of activities consider करते हैं। One is economic activity and other is non-economic activities. So, economic activities क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। पता है आपको, economic activities are earning money. Basically, earning money के लिए होती है। As a motive, where money is exchanged or if some fees is paid. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप फीस पे करते हो, तो वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। All such activities are called economic activities. A teacher, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, teacher teaching in the school, or doctor treating a patient in the clinic. ये सारी की सारी क्या है, economic activities. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, सबसे फेमस है आपकी मदर का काम। सबकी मदर्स का काम जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, बिकॉज उसके बदले में उनको कोई मनी नहीं मिल रही, हम उनको वैल्यू भी नहीं कर सकते। वी शुड ओनली रिस्पेक्ट। एक्टिविटीज वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बेसिक डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, सम टीचर टीचिंग एट होम हिज सन एट होम, और डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सिक फादर। तो जब आप सेम काम, सपोज मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरा ये जो काम है इस समय वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा। वेरेज अगर मैं यही जाके मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाऊँ या फिर स्कूल में पढ़ाऊँ, तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। या मैं सपोज करो एक जिम ट्रेनर हूँ, और अगर मैं घर पे अपने फैमिली का वर्कआउट करा रहा हूँ, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज उसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, खाना मिल जाएगा, ये जरूर है। ओके, सम एक्टिविटीज आर डन फॉर मार्केट्स वेयर पेमेंट इज इन्वॉल्व फॉर सैलरी और प्रॉफिट। तो ये मैंने पहले ही पढ़ लिया है, जहाँ पर आप मार्केट में जाके काम करते हो, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। तो such activities are called market activities. So, government services are also included in it, because government भी जो काम करती है वो उसमें उनको profit earn होता है। वो अगर ब्रिज बनाती है तो उसके ऊपर टोल टैक्स लगाती है, तो उनको वहां से प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसको सब बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। हाउएवर, सम प्रोडक्शन इज डन फॉर सेल्फ एंड फॉर फैमिली कंजम्पशन। तो कई बार आप कुछ चीजें बनाते हो आप खुद ही यूज करने के लिए। कंजम्पशन का मतलब हो गया यूज करने के लिए, सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, यूज भी होता है। सपोज मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ और मैंने खुद ही कार बना दी, तो जो कार मैंने खुद के लिए बनाई है, बेची नहीं है,
तो सेल्फ कंजम्पशन हो गया, उसे कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। ओके, सपोज करो कोई मैं ऐप डेवलप कर रहा हूँ और मैंने उसको बेचा नहीं है, मैंने खुद ही यूज कर रहा हूँ उसके ऐप को, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। अगर मैं वो ऐप बना के मार्केट में बेच रहा हूँ, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो उसे मैं कहूंगा मार्केट एक्टिविटीज, जिसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आप कह सकते हो। सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, थ्री सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी होते हैं। पहला होता है प्राइमरी। प्राइमरी सबसे ऑब्वियसली जैसे नाम बता रहा है प्राइमरी है, वो बहुत ही बेसिक होता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब रिलेटेडली होता है कि जिसको आप खेती से आप समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर इसका मेन होता है। एग्रीकल्चर हो गया, एपिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, यहाँ पर आप रॉ मटेरियल बेसिकली यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा, सॉरी, सेकेंडरी सेक्टर उसके जो है वो फेल हो जाएगा। तो इस चीज पे आप ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान ना देकर और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देंगे तो आपकी इकॉनमी चल पड़ेगी, नहीं। ये तीनों सेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर अगर नहीं हुआ, अगर वीट की ग्रोथ नहीं हुई, तो आप आटा नहीं बना पाएंगे। आटा हो गया, वो सेकेंडरी में आ जाता है, क्योंकि तो वो उसको अपने एक नई फॉर्म प्रोवाइड कर दी। तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल लिया जाता है उसको बनाया जाता है। मे ह्यूमन विद हिज नॉलेज, तो ये कन्वर्ट करने के नॉलेज और स्किल की चाहिए होती है, ट्रांसफॉर्म द गुड टेकन फ्रॉम द नेचर इंटू मोर वैल्यूएबल गुड। या मोर वैल्यूएबल गुड्स का मतलब समझ लेते हैं। मोर वैल्यूएबल गुड्स का मतलब हो गया, जैसे अगर आप सिर्फ अनाज लेंगे वो सस्ता मिल जाएगा, आटा लेंगे वो बहुत महंगा मिलता है, आप दूध ले लीजिए सस्ता मिल जाएगा, उसी को आप पनीर में कन्वर्ट कर दीजिए वो महंगा हो जाता है। आप पनीर से पनीर बटर मसाला या फिर शाही पनीर बना दो तो और वैल्यूबल हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है प्राइमरी सेक्टर से और उसमें अपनी नॉलेज ऐड करता है। नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करता, करता है थोड़ी बहुत करता है, बट वो भी प्राइमरी सेक्टर से ही आती है। तो वो दोनों को मिक्स करता है, अपनी नॉलेज ऐड करता है उसके अंदर और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यूटेंसिल्स फ्रॉम मेटल और फर्नीचर फ्रॉम वुड एंड स्वीट फ्रॉम मिल्क, जो मैंने पनीर और स्वीट की बात करी। लास्ट आ जाता है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। जब आप पैसे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो आपके हाथ में एक प्रोडक्ट होता है, स्वीट होता है, आप उसको खा सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपको कुछ चीज छूने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके बदले में मुझे फीस पे कर सकते हो। तो सर्विस मैं दे रहा हूँ अभी आपको, आई एम टीचिंग दिस। एंड सिमिलरली आपको बैंकिंग, आप जब बैंक में जाते हो, बैंक वाले उल्टा आपसे पैसे ले लेते हैं, तब भी आप उनको पैसे देने के लिए रेडी हो। आप उनको SMS चार्जेस होते हैं, फोन का जो होता है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको कोई स्पेशल स्पेशली कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ये बहुत ही बेस्ट काइंड ऑफ काम माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर आप कुछ ज्यादा कैपिटल कॉस्ट नहीं होती। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर हमारा सिर्फ वॉइस, हमारी बॉडी, हमारी नॉलेज का यूज हो रहा है। बेसिकली जब हम स्कूल में जाके पढ़ाते हैं तो हमारी सिर्फ नॉलेज का यूज हो रहा है, हम कोई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमें सर्विस सेक्टर बोला जाता है। टू डू वर्क इन अ प्रॉपर वे एंड टू कंज्यूम इट प्रॉपरली वी नीड स्पेसिफिक सर्विसेज, और दीज सर्विसेज फॉल इनटू थर्ड सेक्टर कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। सो इसके एंड में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आइए उनके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू पीपल डू वेरियस वर्क, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पीपल डू वेरियस वर्क फॉर अर्निंग मनी,
जस्ट टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड वेयर आर सम पीपल डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. तो आप अपना आंसर खुद फ्रेम करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है. और सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम योर सराउंडिंग गिव फोर एग्जाम्पल्स ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. मतलब ऐसी एक्टिविटी बताओ जो इकोनॉमिक भी हो सकती है, वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है. मैंने अपनी चार एक्टिविटीज बताई हैं, आपको अगर कोई लगती हो आपके नॉलेज में हो तो आप वो लिखें चार एक्टिविटीज. सो सेकेंड आंसर ये मैंने लिखा हुआ है, अ पेंटर पेंटिंग फॉर समवन एल्स, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. अ पेंटर पेंटिंग फॉर हिज ओन हाउस, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, खुद के लिए पेंट कर रहा है. अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. अ टीचर टीचिंग हिज ओन किड्स, तो मैं अपने बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, बच्चे पैसे नहीं देंगे, मांगूंगा तब भी नहीं दे पाएंगे. इफ अ पर्सन कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. जैसे मदर बाहर जाके काम करे तो वो इकोनॉमिक हो जाएगी. अ पर्सन कुकिंग फॉर हिज ओन कंजप्शन, नॉन इकोनॉमिक. डांसिंग ऑन अ स्टेज, एक्टर डांसिंग ऑन अ स्टेज मैं कह सकता हूँ इसको, तो वो जब एक्टर जब डांस करता है तो उसको पैसे मिलते हैं उस चीज के लिए, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. अगर आप जाके फ्रेंड की शादी में डांस करेंगे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, डांसिंग एट फ्रेंड्स वेडिंग. सो आप समझ पा रहे हैं, डांस आप भी करते हैं, एक दूसरा बंदा भी करता है, बट आप जब डांस करते हैं फ्रेंड की वेडिंग में तो आपको पैसे नहीं मिलते. हाँ, लूटने पड़ सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेक गुड्स मोर वैल्यूएबल. मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि अगर मिल्क है वो रॉ मटेरियल हो गया, उसके अंदर अपनी नॉलेज ऐड करता है, स्किल ऐड करता है, तो उसको पनीर में कन्वर्ट कर देता है या घी में कन्वर्ट कर देता है, तो वही प्रोडक्ट जो पहले सस्ता बिक रहा था अब वो महंगा बिकने लग जाता है. सो उसी वजह से वो मोर वैल्यूएबल हो जाता है उसकी नॉलेज ऐड होने से. तो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, एट द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरर यूजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. इट एड्स अ वैल्यू टू इट बाय यूजिंग हिज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क प्रोडक्ट लाइक पनीर एंड घी आर मोर कॉस्टलियर देन मिल्क, नॉट बिकॉज दे नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा बट बिकॉज इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा नॉलेज. सो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी रखेंगे तो आप भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में. सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, व्हाई डज टर्शरी सेक्टर कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर. ये भी हम डिस्कस कर लिया है. टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है. यहाँ से आपने कोई चीज़ भेजनी है तो वो आपको ले के जाएगा, ले के जाने में उसमें कुछ एड ऑन नहीं करने वाला उसके अंदर. क्या तो उसके अंदर क्या है, आपको सर्विस दे रहा है, तो आप सर्विस के लिए उसको आप फीस पे करते हो. दैट्स वाई इट इज नोन एज सर्विस सेक्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर्विस सेक्टर. तो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं. सो कल फिर दोबारा मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.